हेलो हाय नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हम सबके चहेते डायरेक्ट डायलिन शो में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। दोस्तों, एक्ने यानी पिंपल्स की समस्या एक ऐसी प्रॉब्लम है, वेदर यू आर 16 और 60, किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। बट आई एम श्योर कि आप जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या क्या उपचार इसमें हासिल किए जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित होंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान भारत के एक जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। आपने आयुर्वेद का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और वो थ्योरीज, वो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स को चलन में लाए हैं जो कहीं विलुप्त होते जा रहे थे। आप क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं और पूरे विश्व में आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को प्रचारित कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। आपने अपनी संस्था जीवा आयुर्वेद के जरिए हर व्यक्ति से जुड़ने का अभियान शुरू किया है। आपका उद्देश्य है घर घर आयुर्वेद, जन जन आयुर्वेद। डॉक्टर साहब, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। और एक्ने के विषय पर बातचीत शुरू करने से पहले दर्शकों को बताते हैं हमारा नंबर। जी, तो दोस्तों, अगर आप एक्ने से संबंधित या किसी भी अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। डॉक्टर साहब, एक्ने, कील मुहासे, ये किशोर अवस्था में ना हो, इसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स किए जा सकते हैं, ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन आई एम श्योर कि आप ये कहेंगे कि पहले कारण जानना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक्ने एक ऐसी समस्या है, मैं सभी दर्शकों को बताऊं कि किसी ना किसी समय लाइफ में आपको इससे जो है दो चार होना ही पड़ता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको जीवन में एक्ने नहीं हुए। मुझे नहीं हुई वैसे, मैं वन ऑफ देम। मैं वही पूछने जा रही थी आपसे तो क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब आदमी टीनेज में होता है तो कहते हैं वो जवानी निकलती है, तो पता नहीं शायद हमें जवानी आई नहीं, क्या ऐसा लगता है। बट एनीवे, कुछ लोगों को नहीं भी होता है, और क्यों नहीं होता है उसका जब हम कारणों की बात करेंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कुछ लोगों को क्यों होता है और क्यों क्यों नहीं होता है। बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कॉज। ये बहाना नहीं है कि भाई जवानी आ रही है तो वो फूटेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कारण को समझना है। सबसे बड़ा कारण है कि अगर स्किन केयर आप नहीं करते हैं प्रॉपरली, क्योंकि आज इतना पोल्यूशन है, हमारी ये जो एक्सपोज्ड स्किन है वो दिन भर इतने केमिकल्स से जूझती है और हमारे स्किन में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर गंदगी जाके, टॉक्सिन जाके घुस जाते हैं, और जब घुसते हैं तो सबसे पहले वाइट हेड्स होते हैं, फिर ब्लैक हेड्स होते हैं, फिर नीचे जाकर वो जो टॉक्सिन जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो हल्की सी गांठें छोटी छोटी बनने लगती हैं जिसको हम एक्ने बोल देते हैं, फिर कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो पस निकलने लगता है। तो इस तरह से ये एक्ने या पिंपल्स, जो भी इसको कहें आप, ये प्रॉब्लम आम तौर पर होती है। तो वन कॉज इज लैक ऑफ स्किन केयर। अगर आप स्किन केयर नहीं करते हैं या स्किन केयर के नाम पर आप केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी क्रीम्स लगाते हैं, केमिकल मेकअप लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, वो स्किन के अंदर जा करके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा कारण इसमें होता है, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, बहुत ज़्यादा पित्त की वृद्धि, बहुत ज़्यादा कफ की वृद्धि, या आम अगर बने आपके जो कि पेट में बनता है जब खाना पचता नहीं है, तो ये भी जो है वहाँ जा करके डिपॉजिट होकर के ब्लॉकेज पैदा करते हैं और एक्ने पिंपल्स पैदा करते हैं। समटाइम्स हार्मोनल इम्बैलेंस हमने देखा है, बहुत सारी महिलाओं में जब मासिक धर्म का टाइम होता है, पीरियड्स उनके आते हैं तो एक्ने निकल जाती हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, पीरियड्स समाप्त हुए फिर चले गए। कुछ लोग जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं कुछ और बीमारी के लिए, उसके साथ भी इसका कनेक्शन होता है, कुछ अलग बीमारियों के साथ भी इसका कनेक्शन होता है। और आम तौर पर यह भी देखा गया है कि अगर आपको मेंटल स्ट्रेस हो, मानसिक तनाव हो, इमोशनल कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो भी आपको एक्ने पिंपल्स निकल सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, मैंने इसलिए बताए कि कहीं एक ना एक कारण शायद आपका भी इसमें होगा और उसका निवारण क्या करना है। और नॉट ओनली निवारण, जैसा आपने कहा, प्रिवेंशन की भी बात करेंगे जी। जिनको एक्ने पिंपल्स नहीं हैं, अभी आप जवान हैं, युवा हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको निकलने चाहिए, प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे जी। इसी के साथ पहले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं क्या समस्या है। जी नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। मेरा नाम राम कृपाल है, हम बोल रहे हैं प्रताप। राम कृपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं सर?
करीब एक महीना हो गया हमारे सर्दी जुकाम बना रहता है। अच्छा। और हाँ सर, और हमेशा गला खरखराता रहता है, सर्दी ठीक नहीं होती है, गला हमेशा खरखराता रहता है, उसकी वजह से खांसी बराबर आती है। अच्छा। खांसी आती है, बलगम गिरता है, उससे खांसते खांसते मतलब सांस की समस्या हो जाती थोड़ी बहुत। तो आपको आपका गला खराब रहता है, खांसी आती है और खांसी में बलगम आता है। हाँ सर। और ये तकलीफ केवल एक महीने से है या काफी पुरानी प्रॉब्लम? एक महीने से। अच्छा, देखिए कोई बात नहीं, एक महीने से अगर तकलीफ हुई है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। इसका एक छोटा सा नुस्खा मैं बताता हूँ आपको और इससे आपको काफी आराम आएगा। आपके रसोई में जो है तीन चीजें होती हैं, सौंठ, काली मिर्च और हल्दी। हाँ सर। हाँ। सौंठ, काली मिर्च, हल्दी तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए। अच्छा सर। और ये जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर में से आधा चम्मच सवेरे आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके इसको चाट लीजिए। अच्छा सर। दूसरी चीज़, आपको कोई तली चीज़ नहीं खानी है, कोई पकवान या बहुत ज़्यादा कोई जो जिसको कहते हैं ग्रीजी ऑयली या फिर जो है मिठाइयाँ नहीं खानी है, अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी चीज़ कोई नहीं खानी है और हैवी चीज़ गरिष्ठ भोजन कोई नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है इसी से आपकी खांसी तीन चार दिन में ही ठीक हो जाएगी। अच्छा सर। आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। और कोई तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं लेना है साथ में? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं ले रहे हैं। चलो ठीक है, तो आपकी खांसी ठीक हो जाए तो फोन करके जरा हमें बताना। बिल्कुल बताएंगे सर, ठीक हो जाएगी तो बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है राम कृपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, राम कृपाल जी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, डॉक्टर साहब से बात करके ही आधे ठीक हो गए मुझे लगता है। लेकिन अगर आप अपनी किसी भी समस्या के लिए आयुर्वेदिक निजात पाना चाहते हैं, आप सीधे डायल कीजिए ऑन आ सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 01294040404। अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी हेल्थ इशू पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पर्सनल अटेंशन, तो जुड़िए जीवा आयुर्वेद से, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे और निदान के उपाय बताएंगे। डायल कीजिए अपनी सेहत का नंबर 01294040404। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने सेहत का नंबर नोट कर लिया होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि ब्रेक से लौटकर हम जानेंगे कि एक्ने को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और घर बैठे बैठे कैसे उसके लिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है। See you soon.